गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। लास्ट डे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का मेरा पहला क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। किसके बात कर रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी का। इन मल्टीप्लीकेशन डज नॉट होल्ड द गुड। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? तो एप्लीकेबल है, तो ये क्या होगा? मेरा फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, इंटीजर्स आर कॉमुटेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ये मेरा क्या है? ट्रू। नेक्स्ट है, इंटीजर्स डू नॉट पॉजिस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मेरा क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एप्लीकेबल है या नहीं है? एप्लीकेबल है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो सही है, क्योंकि वन क्या एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो यस, तो ये क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हेन एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट इज नॉट ऑलवेज जीरो। हमने क्या बताया था कि किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, तो ये मेरा क्या होगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, कुछ किसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने बोल रहा है? 25 × −15। ठीक है, हमको कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने नहीं बोला है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू 25 को 15 से या 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फाइनली क्या आएगा? 375। लेकिन नेगेटिव है इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव। अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूज करना रहता तो हम लोग डायरेक्टली अगर यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नोट कुछ लिख रहे हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इन द गिवन प्रोडक्ट इज ऑड, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। मीन्स हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं, −1 × −2 × 3 × −4 × −5। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ क्या है? 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? वैसे तो मेरे पास डिजिट कितने हैं? 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? 1, 2, 4, −4 and −5 है। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 वो क्या है? इवन है या ऑड है? 4 है, तो हम चलिए एक और नंबर ले देते हैं, जैसे −2। अगेन क्या होगा? −2 में एक बार और ले लिया तो 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 5 है। तो ये जब भी प्रोडक्ट कुछ भी होगा, लेकिन जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन क्या है? ऑड है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहे हैं दूसरा, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन द गिवन प्रोडक्ट इज इवन। अगर ऑड है तो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर इवन है तो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे −1, −2, −3, −4, −5। सिमिलर क्या? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर क्या है? 4 है, तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ये कुछ भी होगा, लेकिन ये जब भी होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ −5 × 6 × 7 × 8 इज पॉजिटिव। क्या बोल रहा है? गिव रीजन। तो रीजन क्या है? 1, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? इवन है, इसलिए क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है, −15, −16, −17 and 18 इज नेगेटिव। तो पूछ रहा है रीजन, तो बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑड, इसलिए ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर सी भी है,
ये नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, 3 है, -8, -9, -11, तीन ही है ना, 1, 2, 3, तो ऑड है, सॉरी ऑड है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, चलिए हम लोग एग्जांपल लेकर के देखते हैं। 2 × 4 = 8, यानी ये भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट मेरा बोल रहा, अ नेगेटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर, तो लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, -2 × -3, प्रोडक्ट तो 6 होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, ये भी प्लस, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट बोल रहा, अ पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें, पॉजिटिव इंटीजर +2 इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव इंटू -3, ये तो 6 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि फाइनली पहले कि हमको जीरो में इसको कन्वर्ट करें, मतलब 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करें, सॉरी जीरो नहीं, 10 के मल्टीपल में, तो हम लोग 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा, -100 × 8, अब क्या होगा कि हमको मल्टीप्लाई करने में ईजी होगा, दैट मीन्स 800 -800, तो इस तरह जितना भी होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले इसको हम 10 के मल्टीपल में, जो भी मल्टीप्लीकेशन हो तो 10 जिसमें 10 का मल्टीपल हो उसको पहले हम लोग ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 365 × 99, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, या फॉर ए फॉर एडिशन और ए फॉर सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो हम लोग करते हैं 365, अब हम लोग 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 365 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 365 × 100 -365 × 1, तो 365 100 -365, अब क्या करना है कि देखो मेरा मल्टीप्लीकेशन कितना इजी हो गया, हम लोग क्या करते, 365 को 99 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किए तो हम लोग डायरेक्टली बहुत इजी हो गया, तो मेरा क्या गया, फाइनली हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36135, ये मेरा आंसर हो गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।